यहाँ पे आए हैं अलहमदिल्ला, मोहम्मद शरीफ यहाँ पे ये हैं, एक दो इनके लिए एक दो बात कह दीजिए। मोहम्मद शरीफ के बारे में कहने के लिए मेरी कोई जरूरत जी, क्योंकि उन्होंने दो मरतबा हार के इतना नाम कमा लिए हैं, अब उनको नाम और पहचान की शायद जरूरत है। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उन्होंने कई किस्म का हिम्मत, अकल और अपने गलतियों का एहसास किया है। तो इंसान ज़िंदगी में वही बड़ा होता है जी, जी, जी। जो अपने गलतियों का एहसास कर, बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद मोहम्मद को एहसास है कि इनकी पिछली मरतबा की दो मरतबा जो हार हो जी, वो तो शायद कोई उनकी गलती जिससे हुई जी, का एहसास वो करते भी हों जी, जी, जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मरतबा वो अपने सारे गलतियों को सुधारते हुए यहाँ की अवाम और यहाँ के वोटरों के दिल में गहराई से जगह बनाए हो। तो मुझे उम्मीद है यहाँ के वोटरों से कि जब कोई माफ़ी मांगता है तो रब्बुल आलमीन बोलता है कि एक बार मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि यहाँ के वोटर और अवाम इतनी संगीन हुए कि मोहम्मद के पिछले को अनजाने जिन्हें किए हुए गलतियों को माफ़ कर दूँ, उनको कामयाब नहीं करवाएंगे ऐसे लोगों को। समझता हूँ कि इस हल्के के इस वार्ड के वोटर से जैसा कि आप खान साहब बोले, दो मरतबा आपने देखा है, शिकस्त देखी है, तो वह तीसरी मरतबा अल्लाह ताला के वो दुआ करते हुए आप सामने आए, तो कैसा क्या लग रहा है, वार्ड के लोग आपसे क्या कैसा क्या कैसे कह रहे हैं? मैं पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि दो बार हार के भी मैं कभी हिम्मत नहीं हारा दोबारा, और हिम्मत नहीं हारा और सेहत भी बना के रखा, और हमारे गॉड फादर चांद भाई जैसे हस्तियां हमारे पीछे हैं, तो ऐसे 10 सिलेक्शन आप फेस करने भी आगे मैं तैयार हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आवाम देख रही है, सोच रही है कि पिछले 18 साल से जो उम्मीदवार मेरे आगे वाले हैं वो क्या करे हैं, मैं दो बार हार के भी खिदमत खल्क में अपने जेब के पैसे में क्या करा हूँ। इंशाल्लाह 3 तारीख को वो आपके सामने रिजल्ट रखेंगे। जहाँ जहाँ जा रहे हैं आप, वार्ड के लोग आपके साथ हैं? बेशक साथ हैं, और एक तरफ का इलेक्शन फेस करने के लिए वो तैयार है। सामने वाले डरा रहे हैं वोटर्स को, धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं 30 पर 1 तारीख होने दो बोल के। अल्लाह है इंशाल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाल्लाह हमें जीतेंगे, हमें डरने वालों में से नहीं है। एक आखिरी सवाल, डीमार्केशन के बाद जैसे वार्ड बदले हैं, आपके वार्ड 13 कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, ताकि ये लोगों को मालूम हो कि वोट कहाँ कौन डालना है? नॉर्थ ईस्ट से बताता हूँ, मसीउल उम्मत से लेते हुए मोहम्मदिया मस्जिद, सुखा तालाब, वापस अब्दुल रहमान रोड और कुबा के सामने से होते हुए मदीना सर्कल आएगी, तो वापस मसीउल उम्मत से अलबदर के होते हुए जी, जी। वाहिद फंक्शन हॉल, वाहिद फंक्शन हॉल से सीधा कुबा सर्कल तक आएगी। इसी तरह से वार्ड में तकरीबन 9,500 वोट हैं, 1,600 वोट नॉन मुस्लिम के हैं, क्रिश्चियंस के 150 वोट है, बाकी सब हमारे मुसलमान भाइयों के वोट है। इंशाअल्लाह ताला भरपूर अवाम और वोटर का मेरा साथ है। इंशाअल्लाह 3 तारीख को आप इसी माइक लेकर हमारे से इंटरव्यू लेंगे करके मैं उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया। खान साहब दौरा कर रहे हैं हर वार्ड के, जहाँ जहाँ JDS उम्मीदवार हैं वहाँ उनके एक इतिहास का मुजाहरा कर रहे हैं, आप अपने जो है वो बताइए। मेरा वार्ड नंबर 14 है जी, सत्यनगर जी, डिग्री सब वार्ड पूरा जमता है जी, कभी न्यू साइड जैसे बिल्कुल बिल्कुल। ये JDS से खड़े चुके जी जी, बहुत सारे लड़के हैं जी, आप ये बार पूरे आवाम को बोलता हूँ सपोर्ट करने के लिए जी, साहब के आगे हमारा भाई सब जी जी, ये बार रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ जी आवाम से, ये बार अपील करके करता हूँ। नहीं, वार्ड में कैसा है आपका, लोग क्या कह रहे हैं? थोड़ा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह,
پورے عوام میرے ساتھ دے رہی ہے ان شاء اللہ جی یہ بار کریں گے آپ کو جیت کے لائن کی طرف ہو رہے ہیں جی کا شکریہ ادا کر لیا ہے جی یہ بار ووٹ کر کے کامیابی لے کر میں اب محمد صاحب سے وہی سوال کیا تھا آپ سے بھی کروں گا کہ یہ ڈیمارکیشن کے بعد لوگوں کو وارڈ کہاں سے کہاں تک یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کئی لوگ کیونکہ ہاں کیونکہ زیادہ تر ہمارے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں آج یہاں تو کل وہاں تو ووٹ دن تو ذرا مارک بتا دیجیے آپ کے کہاں سے کہاں تک ملتا ہے محمد بھی کو ملتا ہے مسلم بھی ملتا ہے روڈ سے ادھر محمد بھی تو ادھر سے مجھ کو ملتا ہے جی بہت کنفیوز ہے اچھا تو مطلب آپ کچھ والنٹیئرز بنائے ہیں کہ جو کنفیوز ہیں لوگ ان کے لیے کچھ بیداری کر رہے ہیں آپ نہیں جا کے گھر ڈور ٹو ڈور جا رہا ہوں جی جی اس میں کنفیوژن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھیے ابھی فی الحال لوگوں کی عقل مندی یہی ہے کہ یہ لوگ میئر جنتا دل پارٹی کا بنا جنتا دل سیکولر کا اگر میئر بننا ہو تو اس حلقے میسور میں جہاں کہیں بھی جنتا دل کے امیدوار کھڑا ہیں تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا نشان یہ ہے جو چارہ اٹھائی ہوئی عورت ہے کوئی بھی وارڈ ہو چاہے وہ 12 ہو چاہے وہ 13 ہو چاہے وہ 14 ہو چاہے وہ 24 ہو چاہے وہ 54 ہو تو بشرط کے جنتا دل کو ووٹ دے کے کامیاب بنائے تاکہ میئر یہاں پہ جنتا دل کا بنے تو سی ایم جنتا دل کے ہونے کی وجہ سے اس کے سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں تو عوام میں یہ میسج جانا چاہیے کہ اس بار پچھلی باتوں کو بھول جائے ہم نے بھی اپنے دلوں سے وہ ساری باتوں کو بھلا دیے ہیں تو اس بار ایک نئی سوچ کے ساتھ میں ابھر کے آئے اور سارے کے سارے ہر کوئی امیدوار چاہے وہ ہم قوم ہو چاہے وہ غیر قوم ہو لیکن اس بار ہماری پارٹی کو ووٹ دے کر سیکولرزم کو دوبارہ قائم کریں کہاں جانا ہے محمد شریف کے ووٹ کی اپیل لیتے ہوئے آ رہے ہیں جن کا نشان ہے کسان عورت اور عمران کنگ آپ کے گھروں تک محمد شریف کے ووٹ کی اپیل لیتے ہوئے آ رہے ہیں میری ماں بہنوں اور دوستوں اسی مہینے کے 30 پر ایک تاریخ ہو یہ میری خواتین عورتیں جو ہیں جو میری ماں بہنیں ہیں جو میری بیٹیاں ہیں وہ تم لوگوں سے چڑھیں گے تم لوگوں سے نفرت کریں گے بولیں گے یہ لوگ جیتنے سے پہلے اتنا چلا رہے جیتنے کے بعد میں ہمیں سونے نہیں دیں گے
चलो 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 मोमेंट में चलना चलो जो स्लो 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 आदाब नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा आज जनता दल यस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब यहाँ मैसूर तशरीफ लाए और उन्होंने बड़ा मकान से शुरू करते हुए वार्ड 16 से मुख्तलिफ वार्ड्स गए, यहाँ तक कि गौसिया नगर भी गए। हर मुख्तलिफ वार्ड जाकर नौजवानों को यही समझाने की कोशिश की कि वोट की अहमियत क्या है। उन्होंने हर वार्ड में जाकर सबसे पहले नौजवानों के साथ साथ ख्वातीन के अहम रोल को उजागर किया कि अगर ख्वातीन चाहें तो क्या कुछ कर सकते हैं। इस अहमियत पर बहुत कुछ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके मुकम्मल एपिसोड में आप देख सकते हैं। मैं अभी वार्ड 8 के आफ्ताब अहमद के घर में हूं, जहां पे ज़फ़रुल्लाह खान साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं उन्हीं से जानूंगा कि हर वार्ड में आपको जो जज्बा लगा है, मतलब लोगों की तरफ से जो JDS के तलब से जो लोग उभर कर आए और आपकी मौजूदगी ने उनको एक हिम्मत सी दी है, मैं अभी जानूंगा ज़फ़रुल्लाह खान साहब। सर आप हम बहुत से मुख्तलिफ वार्ड्स गए, अल्हम्दुलिल्लाह हर वार्ड में अपने वोट की अहमियत के साथ साथ ख्वातीन के रोल को भी उजागर किया, आपको कैसा महसूस हुआ सर? जाहिर है कि खुशी महसूस हुई। जी जी, इसमें तो कोई दोरा या दो शक वाली बात तो है ही नहीं। जी सर, और हमारा मकसद और हमारी मेहनत का फल तो हमको रब्बुल आलमीन देगा, उसकी ज़ात से हम कभी मायूस नहीं हुए। जी, उसकी ज़ात से हमको यकीन है और उम्मीद है, बस हम अपना काम किए जा रहे हैं। अपील करता हूँ कि मेरी पार्टी JDS को, आपने इनको भी आजमाया उनको भी आजमाया, एक बार हमें भी आजमा लें, आजमा के फिर बाद में हमको सर्टिफिकेट दें। हमको इम्तिहान में बैठाने से पहले हमारे लिए फतवे जाहिर करना, हमारे लिए सर्टिफिकेट दे देना, बोल देना कि ये कर देंगे वो कर दें, किसी और के दिमाग की और किसी और के दिल की बात को कोई पता सिवा बुला। जो हल्के में जो वार्ड नंबर 8 में हमारे आफ्ताब साहब हैं, इन लोगों के इनके लिए ख़ास तौर पर मैं अपील करने के लिए आया। बदकस्मती से वक्त का तकाजा होते हुए और मैं कानून का एहतराम करते हुए मुझे ये बातें नहीं करना चाहिए था खुलेआम, इसके लिए मैं बातें नहीं कर पाया। लेकिन मेरी ये तहे दिल से अपील है कि इस खसूसी तौर पर वार्ड नंबर 8 में जो है सब मिल के एक तरफा अपने कीमती वोट दे के आफ्ताब अहमद को कामयाब बनाए। इस उम्मीद के साथ, अल्लाह की ज़ात की उम्मीद के बाद, मैं आप लोगों के भरोसे पे मैं इस आफ्ताब अहमद को आपका खिदमत करने के लिए खादिम बना के जा रहा हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर जाने और आप लोग जिंदगी और ज़रूर इसको कामयाब करेंगे, इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह मैं आप इस अवाम के हवाले करके जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।